Hello, good morning student. How are you? I hope you all are fine. Okay? Today our second video lecture is and standard 6th subject essays. Okay? Standard 6th में हमारा last lecture में half lesson complete हुआ. Then half lesson is pending. So this lecture में हम complete करेंगे. Okay? Lesson number 5. In search of peace, Buddha and Mahavir. So take out your textbook and see the lesson number 5. In search of peace, Buddha and Mahavir wala lesson. Okay? उसमें हम बुद्धा के बारे में means गौतम बुद्ध के बारे में हमको knowledge मिला कि उन्होंने कैसे अपना घर संसार छोड़ के penance किया. सेक्रीफाइस किया, साधना की और वो एक ग्रेट रिफॉर्मर बन गए. देन हमारा ये पॉइंट पे हम आए हैं बुद्धा इज अ ग्रेट रिफॉर्मर. क्या है बुद्धा इज अ ग्रेट रिफॉर्मर, यानी वो एक कौन थे महान रिफॉर्मर बने थे. पेज नंबर 23. ओके, बुद्धा वाज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर. बुद्धा कौन थे, एक ग्रेट रिलीजियस यानी धार्मिक और सोशल यानी समाज यानी सोशल के थ्रू उनके लिए रिफॉर्मर बने थे, यानी एक रिफॉर्म के लिए मीन्स उन्होंने इम्प्रूवमेंट किए थे. ही वर्क लाइक उन्होंने काम किया था लॉन्ग टू एलिमिनेट टू पॉल्यूटन इन रिलीजियस एंड सोसाइटी. रिलीजन और सोसाइटी में जो पॉल्यूटेंट मीन्स जो पॉल्यूशन है उसको क्या करना, एलिमिनेट करना मीन्स दूर करना. ही हैड मैनी डिसिपल, उनके बहुत सारे क्या डिसिपल मीन्स एक सिद्धांत है जैसे कि रूल्स कह सकते हैं. अकॉर्डिंग मैनी किंग्स एंड स्टेट वेर इनकरेज बाय दिस बाय हिज ह्यूमन रिलीजन. बहुत सारे किंग और स्टेट है वो इनकरेज हुए मीन्स उनको प्रोत्साहन मिला कैसे उनकी ह्यूमन की रिलीजन से. ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स, उनके नीचे दिए गए हैं रिफॉर्मर्स. ओके, सो फर्स्ट कौन सा है कि डेनी ऑफ गॉड एंड सॉल. गॉड और सॉल यानी हमारे मन अंदर आत्मा जो है वो, डेनी यानी इनकार करना मीन्स हमारा मन तो क्या है बहुत कुछ कहता है ये करो वो करो, यानी हमें इतना फंसा देता है मुसीबत में डाल देता है, तो हमें उसको क्या करना है, डैनिंग करना है, हमें हमारे दिल की सुननी है. ऐसा है बुद्धा डैनी गॉड एंड सॉल एंड गेव इम्पोर्टेंट टू कर्मश. बुद्धा ने क्या किया, इनकार किया है गॉड और सॉल को देने के लिए, इम्पोर्टेंस मत दो उसको टू कर्मंश, अपने जो कर्म हमारे जो काम किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो. अकॉर्डिंग टू हिम उनके अकॉर्डिंग इफ अगर देर वॉज गॉड सोरो वुड नॉट हैव बीन देर. कि गॉड सोरो यानी कष्ट दुख बोलते हैं नहीं होते, वुड नॉट हैव बीन देयर तो वहां पे नहीं होते गॉड. इंस्टेड ऑफ इंडगलिंग मीन्स वो चले गए हैं इन वेलफेयर ऑफ सोल. सोल यानी अंदर की जो मन की आत्मा है वहां से. वन शुड लीव और वर्चुअस लाइफ इन द प्रेजेंट में हमें क्या वर्चुअस लाइफ दी गई है. देन सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ऑपोजिशन टू रिचुअल्स. रिचुअल्स यानी जो रिचुअल्स होते हैं ना प्रथाएं ये सब, तो उसकी क्या करना, ऑपोजिशन करना, अपोज यानी उनके अगेंस्ट जाना. ही अपोज रिचुअल्स परफॉर्म इन हिंदुज्म एंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल इन द यज्ञ. उन्होंने अपोज थे वो रिचुअल्स जो परफॉर्म होते हैं हिंदुज्म में और सेक्रीफाइस होते बलिदान जो होती है ना एनिमल्स की, पशु और प्राणी की जो बलि होती है तो उसके इन द यज्ञ में करवाए जाते हैं. ही सेड वो कहते थे दैट नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू. जैसे गांधी जी बोलते थे ना नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, वो क्या है एक हाईएस्ट वैल्यू है.
द ग्रेट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग की क्या है, इज टू ट्रीट एनिमल नॉन वायलेंटली, यानी जो भी एनिमल से उनके प्रति, यानी उनके लिए हमें क्या दिखाना है, नॉन वायलेंट दिखाना है, यानी उनके ऊपर हमें हिंसा नहीं करनी, दया रखनी है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा ऑपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। डिस्क्रिमिनेशन जो हाई और लो का होता है ना, उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन, यानी ये डिफरेंस होता है कि हाई कास्ट लो कास्ट। एट दिस टाइम हिंदुज्म, हिंदुज्म के टाइम पे डिवाइड इनटू फोर वर्ण डिवाइड थे, ब्रह्मा क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यानी उनको हाई और लो ऐसे डिवाइड किया गया था। बुद्धा अपोज थे ये वर्ण सिस्टम में ही से, उन्होंने कहा बींग बॉर्न इन अ हाई फैमिली डज नॉट मेक एनीवन ग्रेट, कि जो हाई फैमिली में बॉर्न लेता है तो हम उनको मानते हैं कि वो ग्रेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही बिकम ग्रेट बाय हिज डीड, और वो पर्सन या जो इंसान ग्रेट कैसे होता है, महान कैसे होता है, वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, वो जो अपने कर्म करता है, अपने काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, ग्रेट होता है। जैसे गांधी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे लड़ाई के लिए, तो वो महान बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट भी हैं, तो ये सब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग क्या बने थे, महान बने थे। बाय हिज कंसिस्टेंस बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट, और उनकी जो पाथ है सच्चाई का जो रास्ता है और नॉन वायलेंस अहिंसा का है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, फॉलो करते हैं, उनके थ्रू वो क्या होते हैं, ग्रेट बनते हैं। ही हाईली अपोज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड और लो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी में, जो ये प्रिवेलिंग प्रबल थी यानी चल रहा था, उसके बहुत ही अगेंस्ट थे। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन, जैसे कि मैन को इम्पोर्टेंस मिलता है एज वेल एज नॉट इम्पोर्टेंट टू वुमेन, वैसे वुमेन को इम्पोर्टेंट नहीं देते कई जगह पे, बट अभी वुमन का तो क्या हो गया है, एम्पावरमेंट ज्यादा हो गया है। तो इसमें है बुद्धा भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे वुमन एज अ मैन, मैन की जैसे वुमेन को भी इम्पोर्टेंस इक्वली मिलना चाहिए। सेड दैट द पाथ ऑफ निर्वाण इज नॉट ओनली फॉर मैन, वुमेन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाण थ्रू साधना एंड ड्यूटी, कि जो पाथ है निर्वाण का रास्ता जो है उसमें ना ही मैन के लिए है बट वुमेन भी अचीव यानी उसमें सफल हो सकती है निर्वाण में, कैसे, तो साधना और उनकी जो ड्यूटी है वो करके। ओके, देन हमारा पॉइंट है निर्वाण, पॉइंट हमारा है निर्वाण। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इन द शैडो ऑफ द बोधि ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा, बुद्धा ने क्या किया, अटेंड किया एनलाइटमेंट यानी एक प्रकाश दिया, शेडो ऑफ द बोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे शेडो में वैशाख पूर्णिमा में, बाय एक्वायरिंग नॉलेज प्राप्त करके बुद्धा कंटिन्यू रिफॉर्मिंग सोसाइटी में रिफॉर्मिंग करते रहे एंड रिलीजन इन इंडिया, सोसाइटी और इंडिया का जो रिलीजन है उसमें कंटिन्यू रिफॉर्म करते रहे। ही लेड मैनी पीपल टुवर्ड्स राइटर्स पार्ट, बहुत सारे लोगों ने इनका जो राइटर्स पार्ट था उसके अकॉर्डिंग चले, गिविंग प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का उन्होंने उद्देश्य दिया। ही अपोज ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड के अपोज है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में अक्सर क्या होता है, जो एनिमल्स है, हम इंसान हैं, हमको कोई मार दे तो हमारे जो पेरेंट्स है तो उनको कितना वो दुख चढ़ेगा, वैसे हम एनिमल्स को छोटे छोटे बच्चे भी तो उनको काट के फिर खाते हैं, तो ये क्या है, गलत है, वो एक क्या है हिंसा, ये वायलेंट है, इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड सही नहीं है एंड हाई और लो डिस्क्रिमिनेशन के भी अपोज थे। ही डाई एट द एज ऑफ 18 इयर्स में वो डाई हो गए यानी ऑफ हो गए इन कुशनीरा एंड अटेंड निर्वाण किया उन्होंने,
बट हिज आइडिया एंड रिलीजियस इज स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड, बट उनकी जो आइडियाज थे और रिलीजन थे वो अभी भी वर्ल्ड में अलाइव है, चलती है। देन हमारा पॉइंट आता है महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के बारे में हमें पता चल गया, देन महावीर स्वामी ये दोनों ग्रेट क्या थे, एक रिफॉर्मर भी थे और प्रीचिंग देने वाले ग्रेट पर्सन भी थे। ओके, महावीर स्वामी का आएगा जैनिज्म ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज्म। जैनिज्म ने भी इम्पोर्टेंट प्लेस जगह दी है इंडियन की सोसाइटी में बुद्धिज्म की तरह। जैसे बुद्धिज्म ने दी तो महावीर स्वामी कैसे थे, जैनिज्म के थे, जैन थे। देयर आर टोटल 24 तीर्थकरण है इन जैनिज्म में, कितने आपको एमसीक्यू में आएंगे, हाउ मेनी तीर्थकरण, तो आंसर विल बी 24। अगम आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज्म। अगम जो है वो मेन सोर्स है नोइंग यानी जानने के लिए अबाउट जैनिज्म के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट द फर्स्ट, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट तीर्थकरण है ना जैनिज्म का, वो है ऋषभदेव ऑफ आदिनाथ, आदिनाथ का ऋषभदेव। 23rd तीर्थकरण बॉस पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ बॉस द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। काशी का जो अश्वसेन के राजा है उनका था पार्श्वनाथ बेटा। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 एज में, यानी वो अपने घर से निकले एंड बिकम अ हर्मिट और एक एकांतवास और हर्मिट एंड प्रीच्ड जैनिज्म का उन्होंने उपदेश दिया। ही अपोज वैदिक रिलीजन, वो वैदिक रिलीजन के अपोज थे एंड रिचुअल एंड कास्ट सिस्टम के भी, जैसे गौतम बुद्ध थे वैसे ही सेम उनका भी है। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ, उन्होंने ट्रूथ के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में एंड एस्टे मीन्स चोरी जो होती है एंड नॉन पजेसिवनेस मीन्स जो हमारा नहीं है, उन सब के बारे में क्या दिया, उपदेश दिया मीन्स लोगों को समझाया। आफ्टर हिम महावीर स्वामी के बाद वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थकरण है। वी विल लर्न अबाउट हिम, हमें उनके बारे में क्या करना है, सीखना है। ओके, देन हमारा आएगा महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। महावीर स्वामी की अर्ली लाइफ यानी पहले की, महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन ग्रंथ क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंदग्राम रिपब्लिक ऑफ बाजी यूनियन। महावीर स्वामी का बॉर्न हुआ ग्रंथ क्षत्रिय में जो कुंदग्राम की डायनेस्टी है, रिपब्लिक है, बाजी यूनियन है। इस चाइल्ड उनका बचपन का नाम था वर्धमान। इस फादर इनके पापा सिद्धार्थ वॉज द किंग ऑफ रिपब्लिक के थे। महावीर स्वामी मदर ने वॉज त्रिशल देवी, उनकी मम्मी का नाम क्या था, त्रिशल देवी। हिज एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। लाइक गौतम बुद्ध, जैसे कि महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो प्रिंस थे, एक राजा थे। दस ही एक्यूर नॉलेज, उन्होंने नॉलेज लिया मैनी आर्ट्स और सारी कलाओं में से। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा से उन्होंने मैरिज किए। इस डॉटर ने मजरोन, उनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शनी, क्या था, प्रियदर्शनी। देन हमारा पॉइंट है लिविंग होम एंड साधना, महावीर स्वामी ने कैसे अपना घर छोड़ा और साधना की। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 में इन सर्च ऑफ नॉलेज की सर्च में। ही लीव लाइफ एज अ भिक्षुक की लाइफ उन्होंने जी थी, जैसे कि बेगर होते हैं भिक्षा मांग के फिर अपना अनुग्रहण करते हैं वैसे। एंड ही डीड अ हार्श फिनांस, उन्होंने कठिन तपस्या की फॉर 12 years 12 साल तक। ऑन द बैंक ऑफ रिवर कहाँ पे, रिजू पालिका। ही अटेंड द हाइएस्ट नॉलेज उनको मिला, केवल ज्ञान मिला। एज ही कंकर हिज माइंड एंड सेंस, उन्होंने अपने माइंड में वो एडॉप्ट कर लिया। एंड ही वॉज कॉल्ड जीन कहलाए एंड सच अ ग्रेट माइटी, ऐसी है कि वर्धमान कम टू बी नॉन एज। देन उसके बाद वो क्या कहलाए, महावीर। ओके, देन उनका प्रीचिंग है मीन्स उन्होंने जो प्रीचिंग दिया, लाइक बुद्धा महावीर स्वामी
टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सॉरो। बुद्धा महावीर ऐसे मानते थे कि ये जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ फियर एंड सॉरो, डर और दुखों से भरा हुआ है। He rejected God's existence. उन्होंने रिजेक्ट किया, मीन्स इनकार कर दिया गॉड के एग्जिस्टेंस की। गॉड नहीं, गॉड का जो एग्जिस्टेंस है मीन्स है उसको। His teaching are known as doctrine of त्रिरत्न। उन्होंने टीचिंग है जो त्रिरत्न। He preached the following five vows. उन्होंने five vows सिखाए, जैसे कि देखो नॉन वायलेंस, ट्रूथ, एस्टी, नॉन पजेसिवनेस मीन्स अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, ये पांच सिखाए। उसमें से हमारा फर्स्ट है नॉन वायलेंस। महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का है। देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड। किसी के भी लिए हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर भी हो ना हैज द राइट टू लिव, क्योंकि उसको जीना है, तो उनको भी स्मॉलेस्ट क्रिएचर जो है छोटे उनको भी जीने देना चाहिए, उनके ऊपर भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन, और मेंटल वायलेंस भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए। प्रोटेक्टिंग एनिमल इज द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्टिव एनिमल्स, एनिमल्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। देन सेकेंड आता है ट्रूथ, यानी सच। वी शुड नेवर स्पीक लाइ, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंड, सोचे समझे बिना भी नहीं बोलना चाहिए। वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ, और वी शुड एब्सटेन एंगर यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए टू फॉलो द ट्रूथ के लिए। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलो इन एवरी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आए उसमें क्या करना है, हमें सच्चाई को फॉलो करना है। और हमारा जो एंगर में क्या यानी गुस्से में हमारा सच क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ऐसे बताए। एस्टे मीन चोरी, तो थेफ्ट इज द बिगेस्ट एविल। चोरी करना क्या है? बिगेस्ट एविल, बड़ा गुनाह है। वी शुड नॉट टेक एनी बडीज थिंग, हमें किसी की भी चीजें नहीं लेनी चाहिए विदाउट हिज परमिशन, विदाउट उनकी परमिशन के बिना। एंट्रिंग एनी बडीज हाउस विदाउट परमिशन, किसी के घर में भी आपको विदाउट परमिशन नहीं एंटर होना चाहिए। इज ऑल्सो लाइक स्टीलिंग, वो एक चोरी की तरह ही है। बाई सेइंग सो इसके थ्रू हम कहते हैं ही ट्राई टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग, और हमें हमारी जो सोसाइटी है उसको भी चोरी करने स्टीलिंग से बचाना चाहिए, कीपिंग प्रोटेक्ट करना चाहिए। नॉन पजेसिवनेस, मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स। मैन क्या करते हैं? अपने गुड्स स्टोर नहीं करते, जैसे कि पोजिशन, ऑर्नामेंट, क्लॉथिंग बी ऑन दे रिक्वायरमेंट होती है। कीपिंग द थिंग एज पर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग दे रिड्यूस इज कलेक्शन रिस्ट्रिक्ट इन द पर्सन थिंग लाइक ग्रेन रिच अप टू द पुअर पीपल को। दिस वॉज दिस हिज इम्पोर्टेंट मैसेज है। ब्रह्मचार्य स्पेशली टोल्ड जैन मॉन्क एंड नंस टू ऑब्जर्व सेलिब्रेट सीओर। महावीर स्वामी ग्रेट रिफॉर्मर्स, तो लास्ट में है महावीर स्वामी अपोजिट रिचुअल एंड सेक्रीफाइस के। ही रिजेक्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड्स के। ही कंडेम एन एनिमल सेक्रीफाइस इन द यज्ञ में, क्या है एनिमल सेक्रीफाइस के। ही सेड दैट वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट मिलने चाहिए, लाइक बुद्धा की तरह। ही टू प्रीच द पीपल को लैंग्वेज एंड प्रकृत और आर्य अर्धमक्ति विद दिस सिंपल एंड इजी टीचिंग है, और चेंज पीपल की लाइफ क्या करती है, चेंज। निर्वाण में है, ही डाइड इन पावपुरी एट द एज ऑफ 72 में, वो क्या लिया उन्होंने, निर्वाण लिया। इन दिस वे 2500 इयर्स ऑफ पीपल गॉट न्यू आइडियाज आती है, रिलीजियस रिचुअल एंड डेवलपमेंट वे रिमूव हुए, पीपल बिकम हिज फॉलोअर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या उनके फॉलोअर बने। बर्थ रिचर ऑब्लिक पीपल टू एडॉप्ट द पाथ ऑफ पीस एंड वर्चू, दोनों ने पाथ ऑफ पीस का वर्चू का सिखाया। Thus they promoted the virtue in the society, में वो promoted हुए। Okay, here complete your lesson number 5, then हमारा वर्कबुक में होमवर्क जाएगा। Okay, thank you.